गाइज हमारे चैनल पे जो 10K सब्सक्राइबर का गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया, तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1 लाख सब्सक्राइबर का है, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो हम बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर को भी अचीव कर लेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग कुछ स्टेप से फोटो एडिटिंग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर कोई वीडियो लेकर आओ, तो मैं पार्ट 1 लेकर आया था, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिया। एंड गाइज एक ही दिन में वो वीडियो 10 में से नंबर 1 पे आने लगी, तो आप लोग स्क्रीन शॉट देख सकते हो। तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए, तो वीडियो आ चुकी है एंड पिक देख सकते हो पार्ट 2 का कितना ज़्यादा औसम है। इसको आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। सेम टू सेम एडिट करना है तो गाइस इस वीडियो को फुली वॉच कर लेना ताकि आपको एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्टार्ट ट्यूटोरियल। डन गाइस, आप लोग एक फोटो को ओपन कर लेना जिसको भी एडिट करना चाहते हो। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से आ जाना है गैलरी के अंदर, और जो भी मैं PNGs यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। तो अभी आप लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की फ़ोटो लेकर आनी है एंड इसको आप लोग अपने वॉल पे या फिर जो भी बैकग्राउंड हो वहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इसको आप लोग ने सबसे पहले डुप्लीकेट करना है, ओके साइड कर देना एंड इसको आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। नाउ सेकंड फोटो को लेकर आना है, इसको भी आप लोग ने जूम करना और इसको आप लोग ने थोड़ा सा बॉटम में या मिडल में एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको स्पेस मिले। नाउ परफेक्ट एंड फिर कर देना राइट पे क्लिक। देन गाइस ये चीज़ भी हमारे कंप्लीट हो चुका है एंड ये चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पहले ही मर्ज करवा दिया। जब आप लोग यूज़ करोगे तो काफ़ी परफेक्टली तरीके से ये आप लोगों का फ्रिक्वेंसी मैच होगा। इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने अगेन गैलरी के अंदर आ जाना है, और आप लोग ये गाइस जितने भी वेक्टर आर्ट देख रहे हो तो ये चीज़ के बारे में ना मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा, तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी आप लोगों ने कुछ PNGs लेकर आनी है, लाइक गन वाली, रेपो वाली एंड सैड इमोजी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं, इकट्ठे ऐड कर लेंगे। एंड सबसे पहले आप लोगों ने गन वाली PNG को लेकर आनी है, इसको छोटा करना और यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। जो ब्लेंड है इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देना ताकि आप लोगों का ये मर्ज हो। ओपिसिटी थोड़ा सा डाउन, इसको हम लोग 69, ओके। उसके बाद आप लोगों ने रिप वाले PNG को यहाँ पे एडजस्ट करना, सैड इमोजी को यहाँ पे, इस चीज़ को कर देना आप लोग यहाँ से स्क्रीन या फिर मल्टीप्लाई जो भी आपको बेस्ट लगे, ओके मल्टीप्लाई काफ़ी परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको ना हम लोगों को अपने बैकग्राउंड से मैच करवाना है, तो एडजस्ट टूल के अंदर चलेंगे, शैडो को कुछ इस तरीके से जो सैचुरेशन है वो इसको डाउन करना है और फिर कर देना राइट पे क्लिक, ओके। इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने एक PNG को लेकर आना है जो कि मैं दे दूंगा, अभी इसको यूज़ करेंगे एंड इसको भी आप लोगों ने डन करना है। और थोड़ा सा ऊपर जाना, एक बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लैक कलर आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है और फिर कर देना है ऐसे राइट पे क्लिक। शेडो को मेंटेन करना है तो जस्ट आप लोग शेडो के ऊपर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा, ओके। एंड इसको आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा गाइस इस तरीके से कर लूँगा। नाउ परफेक्ट एंड उसके बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक कर देना है। हमारे जितना भी PNGs का वर्क था वो फुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने कलर टोन को अप्लाई करना है, तो इफेक्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना, FX में आ जाना, ओके। यहाँ पे आप लोगों को नॉइज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आप लोग नॉइज़ को इंक्रीज़ करना और फिर कर देना इस चीज़ को मर्ज। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा राइट जाना, एक ग्रैंड 3 नाम का आप लोगों को फिल्टर मिलेगा, ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप लोग राइट जाना, एक VNL नाम का इफेक्ट मिल जाएगा, ये चीज़ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों बेस्ट है गाइस, दोनों में से एक कर लेना। तो लाइक मैं ये करना चाहता हूँ, इसको भी करूँगा मर्ज और इस चीज़ को कर देंगे राइट पे क्लिक, ओके। तो अभी आप लोग पिक देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुपर लग रही है गाइस। कुछ ही मिनटों में हम लोगों ने इस तरीके की एडिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब अभी आप लोगों ने थोड़ा सा लास्ट वाला जो हर्ट का आप लोगों ने PNG देखा था ना थंबनेल में, जिससे हमारी पिक और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए, तो ये चीज़ को अप्लाई करना है। आप लोग ऊपर आ जाना, एक ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, ओके। थोड़ा और ऊपर जाना, बहुत सारे हर्ट मिलेंगे लेकिन मैं आप लोगों को एरो के हेल्प से दिखा दूंगा। तो ये वाला हर्ट आप लोगों ने जस्ट कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है एंड फिर कर देना राइट पे क्लिक। फाइनली डन गाइस, हमारी एडिटिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एंड जो पिक है वो फाइनली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, सबसे पहले बिफोर पिक एंड आफ्टर। तो इस तरीके से आप लोग गाइस अपने सिद्धू मूसेवाला के लिए फोटो एडिट करके अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर जहाँ पे भी आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो उस चीज़ पे पोस्ट करो। और गाइस मैं वेक्टर आर्ट के बारे में बात कर रहा था, आप लोग यहाँ पे कुछ वेक्टर आर्ट पिक देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। अगर आपको वेक्टर आर्ट बनाना नहीं आता तो गाइस चिंता मत लो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि एक यूट्यूब चैनल पर एक स्पेसिफिक वेक्टर आर्ट बताया जाए कैसे एडिट किया जाता है। तो वो चीज़ आप लोगों को कुछ ही समय बाद देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आप लोग जो वेक्टर आर्ट देख रहे हो ना ये हम लोग एडिट करके
क्लाइंट्स को देते हैं। तो ऑडियंस हमारे पास गाइस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, एंड जो मैं यूट्यूब से भी कुछ ऑडियंस उठाना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो गाइस मेरे को ना इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हम लोग ना अदर क्रिएटर की जगह ना, मतलब अदर जो लोग हैं उनसे काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में अपने इन वेक्टर आर्ट को एडिट करते हैं। अगर आप लोग मेरे कोड को यूज़ करोगे, जो आप लोगों को ये कोड दिख रहा है, अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे तो आप लोगों को 70% ऑफ मिल जाएगा। तो गाइस ज़्यादा देरी नहीं करना, जल्दी से आ जाओ, मेरे को कमेंट करो, मैं 24 आवर्स के अंदर ही आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। ओके